नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या सोच रहे हैं, फिर आ गए? आएंगे नहीं? कैमरा मेरा है, लाइट मेरी है, स्क्रिप्ट मेरी है। हम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? आप आएंगे? आ गए, होली है, आना भी चाहिए। अब आप पूछेंगे हम ठीक हैं कि नहीं हैं। कैसे नहीं ठीक हैं? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन बोलेगा कि दिक्कत है? बवाल में फंसने से अच्छा है बोलिए सब ठीक है। हाँ, महंगाई का थोड़ा तो रहता है, लेकिन व्हाट्सएप में जैसे मैसेज आ जाता है ना टाइम टू टाइम, फिर सब ठीक हो जाता है। एक से एक घोटाला पकड़ाया, चिंता होती थी, लेकिन व्हाट्सएप में अंकिल का मैसेज जैसे आया खुश हो गए। खुशी के लिए अब चांद नहीं चाहिए, बालकनी में जाकर तारे नहीं देखने हैं, व्हाट्सएप में मैसेज आ जाने चाहिए, मैसेज देखने हैं। चंदा बीजेपी को कम मिला है और विपक्ष को ज्यादा मिल गया है। मान लीजिए, मान लिया है लोग, मानना ही पड़ेगा। कब सीटी बजाते ईडी आ जाए, मानो भाई, जो भी कह रहे हैं जल्दी मानो, निपटाओ। झूठ है तो सबसे पहले मान लो, आगे निकलो, चलो चलो, लाइन में लगो मत। इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं। और रैंकिंग की बात पर आप लोग मत जाइए कि फिनलैंड के लोग हम लोगों से ज्यादा खुश है। भारत के लोग दुखी हैं। अरे, हम तो ऐसा रैंकिंग मन में नहीं करते हैं, काहे मानेंगे? रैंकिंग वाला अपने सर्वे में कितना व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन से मिला है, पूछा है? उनसे ना पूछता जी, खुशी के मामले में उनसे पूछता तो भारत की रैंकिंग धनाक से ऊपर चली जाती। फिनलैंड उधिया जाता, पता भी नहीं चलता फिनलैंड गया कहां। वहां वैसे भी इतना जाड़ा पड़ता है, कौन खुश रहता होगा वहां जी? दांत किटकिटाते रहता होगा लोग, हैं? इंडिया में देखिए, है कुछ भी नहीं, दांत चियारे घूम रहे हैं, टाइट हैं एकदम, गर्व से फूल गए हैं, झूठे खुश हैं, मगर हैं। बोलने में क्या जाता है कि हम खुश हैं? बोलिए, फिनलैंड के लोगों को इंडिया के व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दीजिए, आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ से फिर हम लोग गुड मॉर्निंग मैसेज भेज भेज कर वहाँ साल भर रोज सूरज उगा देंगे। हर मैसेज में सूरज जाएगा, एक ठो कपलेट जाएगा। फिनलैंड वाला कभी खुशी नहीं रहेगा रोज रोज देख के। गुड मॉर्निंग मैसेज में कपलेट और सूरज भेजने वाला देश दुखी हो ही नहीं सकता है, और वो भी फिनलैंड की तुलना में, सवाल ही नहीं। 83 ठो टाउन निकल गया है इंडिया का, हवा में जहर है, तो जहर तो दिमाग में भी है, उसी से तो हम लोग खुश हैं। आपको ना जहर से दिक्कत है, सोसाइटी तो जहर ले ले घूम रही है। कौन दुखी मिलता है जी? इंडिया का इतना नाम हो गया, रैंकिंग वाला निकाल रहा है सब कि खुशी नहीं है हम लोग। क्या बात करते हो जी, ये सही बात नहीं है। एक यूनिवर्सिटी यहां पढ़ने लायक नहीं, सब मोदी जी के कटआउट के साथ सेल्फी लेने लायक है। टीचर नहीं है मगर मोदी जी का कटआउट है, देखते ही सबसे पहले तो हिस्ट्री का कोर्स पूरा हो जाता है। पॉलिटिकल साइंस तो चार चार बार रिवाइज हो जाता है कटआउटे देख के, और साइंस तो क्या ही करें। मारे खुशी के लड़का लड़की कान में ईपी लगाकर घूम रहा है दिल्ली भर में, सेल्फी ले लिए, कोर्स हो गया। जहां पढ़ाई का ये हाल है वहां लड़का लड़की खुशी नहीं मनाएगा, मनाएगा ही। नौकरी नहीं है, उससे भी युवा लोग बहुत खुश है। जान बची भाई, नौकरी मिली होती तो नारायण मूर्ति के यहाँ 70 घंटे काम करते करते मूर्ति हो जाते, माल्यार्पण होने लग जाता, बच गए, बेरोजगार रह गए। फुल खुशी है इंडिया में, कौन खुश नहीं है? बुलाइए उसको, लाइए मेरे सामने, पूछते हैं ना, जोड़िए अंकिल सबके व्हाट्सएप ग्रुप में उसको, 1 घंटा में खुश हो जाएगा। 10 मैसेज फॉरवर्ड करने हैं खाली, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया, इससे ज्यादा हैप्पीनेस आपको क्या चाहिए? अब तो मोदी जी का लेटर भी आने लगा है। न्यूयॉर्क में तरकारी लेने जा रहा था, व्हाट्सएप में मोदी जी का लेटर आ गया। ए भाई, नंबर कैसे पता चला? अरे,
चंदे का ही नंबर नहीं देना है ना, आपका तो है ही उनके पास। बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, लेकिन इंडिया में बना हुआ कैसा भी माल बिक कर रहेगा, चाहे नकली क्यों ना हो, सब खप जाता है जी। हम केवल रामदेव को नहीं कह रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बुलाया है। मोदी जी को बुला नहीं सकते तो रामदेव को बुला लिया, समझते नहीं है क्या? हम समझते हैं। देखिए, इस देश में असली केवल घी है, बाकी सब नकली है। असली होने की उम्मीद केवल घी से की जाती है, रामदेव से नहीं। हर घी के आगे असली लिखा होता है, असली ना लिखा हो तो लोग पूछ भी देते हैं नकली है, उनको पता है नकली, पर फिर भी असली लिखा होता है। होली भी तो है, असली नकली देखने लग जाएंगे तो गुजिया छने भी नहीं करेगा। नकली दवा हो, नकली घी हो, जहरीली हवा हो, कोई चीज़ है जिससे हम लोग कंज्यूम नहीं करते हैं, तब भी कोई कहे कि भारत में लोग खुश नहीं है तो गलत बात नहीं है जी। 20 करोड़ लोगों को बीपी हो गया है, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ये कोई नया सर्वे आया है ICMR का, उसमें भी पूछवे नहीं किया कि 20 करोड़ में से कितना गोदी मीडिया का डिबेट देखता है रोज शाम को। एंटी मुस्लिम डिबेट देख देख कर बीपी बढ़ा लिया है लोग। जाइए ना बेंगलुरु, IT वाला सब बाल्टी लेकर घूम रहा है। ये हाल रहा तो बेंगलुरु में एक नया सेक्टर पैदा होने वाला है, बाल्टी सेक्टर। लोग बाल्टी लेकर दफ्तर जाएंगे, बाल्टी लेकर घर आएंगे। हमको टेंशन है नहीं, होली आ गई है, चारों तरफ रंग बरसे बज रहा है। अगर ये गाना आपके कान तक नहीं पहुंच रहा है तो इसका मतलब लाउडस्पीकर की क्वालिटी खराब है। रंग बरसे का 15 अगस्त तो होली है ना जी, बजेगा कैसे नहीं? जेठ में कोई गाना सुनेगा? हम कह रहे हैं आपको न्यूज फोन देखबे कीजिए, चंदे की बात सोचे नहीं करें। 12,000 करोड़ हमको थोड़े ना मिला है, जिनको मिला है वही कह रहे हैं दूसरों को ज्यादा मिला है, बताइए, गजब लॉजिक है। अमित शाह जी अगर कह दें कि हमको मिला ही नहीं है तो मजाल है कि कोई नहीं माने? कैसे नहीं मानेगा? ED के रेट के बाद लोग 100-100 करोड़ चंदा दे आ रहे हैं तो ED के डर से उनका लॉजिक नहीं मानेगा? मानना चाहिए, इससे सस्ता कुछ भी नहीं है देश में, मानो तुरंत। अंकिल सब स्मार्ट है, कहने लगा कि ये तो चलता ही है, सभी करते हैं, सभी पार्टी वाले चंदा लेते हैं। असल में जो क्राइम सब करते हैं वो क्राइम नहीं होता है इनके हिसाब से, क्रीम होता है, क्रीम मुंह में पोतने के लिए। इसलिए चंदे की बात सोचा नहीं करूंगा। 12,000 करोड़ हमको तो मिला नहीं, हम काहे अपना प्रोग्राम खराब करें? अरे भाई, भगवान सबको ऐसे ही अमीर बनाए, छापा भी पड़ जाए, संपत्ति भी जब्त हो जाए और उसके बाद 200-400 करोड़ ले जाके हम चंदा में भी दे आए। ले भाई रख, ये कैसा पैसा है, हम नहीं छुएंगे, ये वही है जो तुमने जब्त नहीं किया है, छोड़ दिया है, अब करके दिखा, जब्त करेगा ये वाला? उन्हीं को देकर आए हैं जो तुमको भेजे हैं ईडी वाला। बोला नहीं भाई, गलती हो गई, हमारा काम केवल धमकाना है, ले जाना पहुंचाना नहीं, किसी को फर्क पड़ता है? सब मस्त अपने आप में खुश हैं, हैप्पी। इसके अलावा सब ठीक, 400 सीट मिल रही है, अब कोई काम ही नहीं बचा है तो गठबंधन के लिए पार्टी खोज रहे हैं। सीट तो आ गई है मगर पार्टी नहीं आ रही है, सही बोल रहा हूँ? आप अपने RWA का पार्टी बना दीजिए, कोई भी एसोसिएशन चलेगा, बस लास्ट में पार्टी लिख दीजिए, PM साहब गठबंधन कर लेंगे। उनको बस गठबंधन करना आता है, कौन है आप इससे मतलब नहीं, आपका परिवार है उससे भी मतलब नहीं। पार्टी का नाम लेके जाइए उनके पास, बच्चे के बर्थडे पार्टी का कार्ड है सर, वो आपको पॉलिटिकल पार्टी समझ के अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। इनको बस गठबंधन करना है, काम तो कुछ है नहीं, किसी से भी कर लेना है। पारस को निकाल कर चिराग को लाना है और चिराग को निकाल कर पारस को लाना है, जो जो निकला है उसको लाना है और जो जो नहीं निकला है उसको निकालना है। देखिए, ये तो सब करते हैं और करना पड़ता है। असल में 400 सीट आ गई तो मन किया होगा, कुछ बांटते भी हैं, दूसरों को भी दे देते हैं, या चिराग इधर आओ तो 5 सीट ले लो, चुपचाप जाओ, पारस को मत बताना। जयंत,
तुम काहे वहाँ खड़े हो, इधर आओ, कोने में खड़े नहीं रहते, मेरे सामने आओ। तुम भी पाँच मत लो, दो ही रखो। भारत रत्न को भी तुम दो सीट के बराबर मान लो तो चार हो गया ना। जाओ तमिलनाडु में देखो कोई है जी जिसके नाम के आगे के लगा हो। डीएमके नहीं आ रहा है तो पीएमके ले आओ, भर भर के राजभर ले आओ, सोरेन को जेल भेजो, उनके परिवार की बहू को ले आओ। और कोई है, कोई जाति बची है, उसका नेता बचा है, सबको गठबंधन में लाओ। जो भी जाति की राजनीति कर रहा है दूसरे दल में उसे अपने अंदर लो। हम जाति की राजनीति तो करते नहीं हैं, बस हम जाति वाले को बुलाकर राजनीति करते हैं। भाई आप अगर किसी दूसरी पार्टी के हैं और बीजेपी में जाना चाहते हैं, मेरी एक बात है, पीएम साहब की खिड़की के बाहर खड़े हो जाइए। वो जैसे ही खिड़की से बाहर आएंगे, आपको देखेंगे, उसी वक्त आप बीजेपी में ले लिए जाएंगे। आप खुद को ऐसा वैसा मत समझिए, जब भी बीजेपी में आएंगे एमिनेंट पर्सनालिटी कहलाएंगे। अच्छा छोड़िए उनका चक्कर, बड़े लोग हैं। ये बताइए, क्या बताएं इस चुनाव में मुद्दा क्या है? मुद्दा तो कुछ भी नहीं है, अब जो होना है 2047 में होगा।